जगह का नाम है फिर से जरा? आपकी कसम। बिहार में काबा। बिहार में औरत औरत वाटी चा औरत वीडियो बनाओ। हेलो 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 बोलिए बोलिए बोलिए। ये खूबसूरत नजारा देख के कैंप कैसा फील होता है? लग रहा है कि कैंप लगाए बैठ जाए, मस्त को चिकन रोस्ट करे बैठिए, खाए पिए लोग, मस्त पिकनिक करे लोग। मतलब चबाइबे करिएगा। ये बंद ना है? हाँ वो बंद। हाँ देखिए यहाँ गाड़ी लगा दिए हैं, अब लोग हम लोग पैदल जा रहे हैं। आपको पता है जनानी जरूर मिलेगी। पानी मिले ना मिले। हाँ समझे भैया। अक्सर कहा जाता है बिहार में कुछ घूमने लायक नहीं है, मगर ये आप देख सकते हैं, ये बिहार के रोहतास जिले सासाराम में कशिश वाटरफॉल का ये सीन है। ये आप देख सकते हैं ऊपर से ही वाटरफॉल होता था, अब बारिश नहीं है तो वाटरफॉल भी नहीं है। हम जब तक बारिश नहीं आएगा जब तक इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना, मगर ये ना होने के बाद भी वादियाँ देखिए चारों तरफ, आप देखिए कितनी हरियाली है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, जन्नत से कम नहीं है ये। देखिए ऊपर से जो पानी आ रहा था यहाँ नीचे, यहाँ तो इधर, ये भी पानी का जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये पानी से बनते जनते नीचे इस तरह होकर वाटरफॉल बनता था, इधर पानी चला जाए। देख सकते हैं कार कहाँ पार्क गई और कहाँ हम लोग आ चुके हैं। अरे अवार्ड अवार्ड लाओ रे। कौन बोला? बेस्ट ब्लॉगर। कौन बोला भैया? कौन बोला? जोरा पकड़ाया था। देखिए इधर पानी, इधर पानी ऊपर कहीं से गिरते हुए, कहाँ स्रोत है इसका कुछ पता कुछ नहीं चल रहा है, मगर पानी गिर रहा है। जस्ट इसके बगल में एक गुफा है, कितना अंदर है ये हम लोग पता नहीं है। विकास नहाती थी इसमें, रानी विकास जो थी ना वो। क्या भैया आप नहा रहे हैं और हमको कह रहे हैं वाह कैसे बात कर रहे हैं आप, उतरे हुए हमको नहाने की बात कर रहे हैं। अबे नहीं सही में कुछ तो गड़बड़ है दया। दया क्या गड़बड़ है? दया तो दया देखो ध्यान से देखो ना वहां से, ऑन द स्पॉट झगड़ा हो गया तो। देखिए क्रिमिनल माइंड लड़की है ये लड़की, क्या बोल रही है, बहुत गलत बात। ध्यान से देखिए इस औरत को। औरत को? औरत वाटी चा औरत। ये मरने मारने की बात कर रही है। भैया एडवेंचर बहुत है, मतलब आए मजे कुछ देखने को, मेरे जो एडवेंचर जो मिला ना, मतलब कहते ना ट्रिप का मजा, देखिए कुछ नया नया चीज देखने को मिलता है हमेशा। बिहार का यही खास बात है कि बिहार में बहुत कुछ अभी देखने को बाकी है। ये हवन कुंड मस्तों का झुंड सुनसान ही रात, हम क्या करेंगे। करेंगे।
ये आपने इश्क का इजहार करते हुए जोमेटो की डिलीवरी गर्ल से गौर फरमाइएगा। हाँ बोलिए भैया। तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो क्या करोगे, तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो क्या करोगे, दो पिज्जा खिलाओगे और दफा करोगे, दो पिज्जा खिलाओगे और दफा करोगे। मुझसे बार बार मोहब्बत हो तो बताना, अगली बार जब आना तो चार चिकन ले आना। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? सिर्फ खाने की बात करते हैं ये तो। देख के नहीं लग रहा है ना। ओ हाँ सही पकड़े। मैं अभी आप लोग से एक खास बात करना चाहता हूँ। अक्सर हम दूसरे राज्य की बात करते हैं कि वहाँ पहाड़ है, वहाँ बहुत घूमने लायक है, मगर बिहार में भी ऐसा कुछ है जो आपने देखा है आज। अब मैं आपको इससे भी बेहतर बेहतर जगह है बिहार में। सिर्फ बात है कि ये बिहार में बढ़ेगा ही इस जगह, कैसे कैसे लोग के पास पहुँचेगा। तो हम लोग हैं, आप हैं। अक्सर हम हमेशा दूसरी राज्य की बात करते, अपने राज्य को कभी अपने बात ही नहीं किया कि हमारे भी बिहार राज्य में ऐसा कुछ देखने को है। तो आप लोग का साथ होना बहुत ज़रूरी है बिहार को आगे ले जाने में, और जितना आप इस वीडियो को शेयर करिएगा लोगों तक उतना ये बढ़ेगा। मेरे साथ बने रहिए हमेशा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन।